बाकी जो धनिया लाए थे उसको भी काट के डाल दिया इसमें। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरी पोटली तैयार कर ली है और ऊपर इसका मुंह भी बांध दिया है। ये अपनी आग तैयार हो गई है, सूखे कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं आग जलाने के लिए। अब इसको रख दो अनुराग इस पे। मुझे बताया नहीं गया क्या चिकन बन रहा है। मैं आता ही नहीं। लकड़ी तो जरूरी है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं डेविड ग्वालियर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। आज हम लोग आए हैं शहर से दूर ये खूबसूरत नज़ारों के बीच में। यहां पे हम लोग एक छोटी सी पिकनिक बना रहे हैं। मेरे साथ दोस्त हैं मेरे मेहताब भाई, अनुराग भाई और पप्पन भैया। इस वीडियो में शुरू में आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग यहां पे पिकनिक बना रहे हैं और कुछ खाना पीना करेंगे। तो आज के खाने में हम लोग बना रहे हैं चिकन, कुछ अलग स्टाइल से। शायद ही आप लोगों ने आज तक इस तरह से चिकन बनते हुए देखा होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, बाकी जो नहीं पसंद करते हैं इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए स्टाइल कैसा लगा आप लोगों को और ये नज़ारे यहाँ के कैसे लगे, ये सब ज़रूर आज के इस वीडियो में बताइए। और हमारे चैनल पे आज नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जो चिकन बनने जा रहा है ना, कुछ अलग तरीके से बनने जा रहा है। ये तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो चलिए आपको दिखाते हैं और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे चूल्हा बनाने की। लकड़ी कंडे वंडे सब कुछ इकट्ठे कर लिए भाई लोगों ने। भाई लोग पूरी तरह से तैयार हैं जैसा कि देख रहे हैं आप। और ये पीछे पहाड़, ये बहती नदी, उस तरफ बैठे हमारे मेहताब भैया क्योंकि वो नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ी इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह तैयार कर रहे हैं, बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो ये पत्ते लेके आए हैं हम लोग। इन पत्तों का इस्तेमाल करेंगे डोने बनाने में। जो बर्तन होता है जिसमें चिकन बनता है ना, उस तरह का बर्तन तैयार कर रहे हैं हम लोग इन पत्तों के माध्यम से। तो टोटल देसी स्टाइल होने वाला है। देखिए किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। पप्पन भैया बना रहे हैं पत्तल। पूरा प्लेट तैयार हो गई है एक तरह से पत्ते की। और सामने आप देख रहे हैं जैसे कि अनुराग भाई प्याज छील रहे हैं केले के पत्ते पे, पप्पन ये भी बराबर से मदद करा रहे हैं। तो बस दोस्तों ये तैयारियां चल रही हैं आज की, देखते हैं आगे क्या करते हैं और देखिए आप आगे और क्या करते हैं हम लोग। क्या कर रहा है ये? हम लोगों ने मिर्ची टमाटर और प्याज काट लिए दोस्तों, छोटी छोटी बारीक बारीक करके। अब हम जा रहे हैं ये जो पत्ते बनाए थे उनको धोने के लिए साफ पानी में। ये धुल गया हमारा पत्ता, इसको यहीं रख दो सूखी जगह पे। हाँ इसमें डाल दे, पूरा डाल दे इसमें मिर्ची वगैरह जो मसाले हमने काटे थे, मतलब जो सब्जी काटी थी, प्याज काटी थी, मिर्ची काटी थी, टमाटर काटे थे, सबको इसमें डाल देंगे। हो गया, अब
बारी आती है तेल की, क्योंकि हम तेल लेके आए थे। तेल अच्छी मात्रा में डालना है इसे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों आप, ये हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इसके अंदर सारे मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक और चिकन मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट वगैरह हमने इसमें डाल दिया है। पहले पकाते नहीं हैं, सब कुछ इसी में मिलाना पड़ता है शुरुआत में, और फिर उसमें तेल डाल देते हैं। तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे हम लोग। मिलाने के बाद जो आपको दिखाया हमने पत्तल, जो कि हम लोगों ने यहाँ से पत्ते तोड़ के पत्तल तैयार किया है, और केले का पत्ता हम लोग अपने साथ लेके आए थे, उसमें इसको डाल के बढ़िया सी पुड़िया बना के फिर इसको पकाने का काम करेंगे। देखिए ये देखिए, अब धनिया मिक्स कर दिया इसमें हमने अच्छे से सारे मसालों के साथ। मिक्स करने के बाद अब इसको अपन इसमें पत्ते में रखे जा रहे हैं। हमने मिक्स कर दिया है, और इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि चिकन भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है। अगर इसमें पानी डाला तो पूरा मसाला बह जाएगा, तो इसमें पानी नहीं डालना है। तेल की मात्रा जरूर ज़्यादा रखनी है। चलिए बनाते हैं। पूरे को इस तरह से अपन लपेट के गटरी टाइप की बांध देंगे। इस तरह का जो मुँह है उसको भी अपन किसी लकड़ी या धागे से बांधने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरी पोटली तैयार कर ली है, और ऊपर इसका मुंह भी बांध दिया है, वो केले की पत्ती की पत्ते के जो डंठल था उसको छील के। अब इसको रखेंगे इस आग पे, आग को और तेज करते हैं थोड़ा इस आग को। ये अपनी आग ही तैयार हो गई है, सूखे कंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं आग जलाने के लिए। अब इसको रखता हूँ अनुराग इस पे, सीधा रखो, सीधा टेढ़ा नहीं, सीधा रखना होगा इसको। बस अब ये पक जाएगा, पकने तक का इंतज़ार करना होगा अब इसका। देखिए कैसा इंतज़ार हो रहा है तैयार होने का। ताकि आप सोच रहे होंगे ये पत्ते में हम लोग बना रहे हैं, पत्ता जल गया तो चिकन नीचे नहीं फैल जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो गीलापन जो रहता है ना, वो पत्ता सिर्फ नीचे से हल्का सा जलता है, पर वो पूरी तरह से नहीं जल पाता है और चिकन नीचे नहीं गिरता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने तीन चार परतों में इस्तेमाल किया था, नीचे केले का पत्ता, फिर ऊपर पत्तल, फिर एक और केले का पत्ता। तो नीचे की एक परत जल चुकी है, पर अंदर वाली जो परत है अभी भी वो सुरक्षित है, जैसा कि देख रहे हैं आप, क्योंकि उसके अंदर नमी है और उसी के ऊपर रखा है हमारा चिकन। लगभग हमें 25-20 मिनट करीब इंतजार करना होगा, उसके बाद इसको हम लोग निकालेंगे। देसी तरीका अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बिना बर्तन के आप पत्तों में चिकन कैसे बना सकते हैं, हमारी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। अपने कुछ कह रहे हैं, आराम से लेटे हैं, क्या कह रहे हो आप? शादी पे हूँ मैं, ऐसा ये पोटली बना लो, एक एक बना का दे दो, हाँ, और चार रोटी दे दो, कह रहे भाई साइड में खा लिया इसको और निकल जाने आ रहे हैं। सही कह रहे हैं भाई है। ये तकनीकी है ना, ये छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल की जाती है, वहाँ भी ऐसी बनाते हैं पूरा। उसको बोलते हैं मुर्गे का पुड़गा, मुर्गे का पुड़गा, पोरगा। क्या बोलते हैं भाई लोग, कमेंट करके बताओ अगर छत्तीसगढ़ वाले वीडियो देख रहे हैं तो। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये चीज़ तो हम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते थे, बना सकते थे, पर ऐसा नज़ारा घर के आसपास नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें ना ऐसे नज़ारे में आके बनाने में ज़्यादा सुकून मिलता है। तो हम लोग घर से थोड़ा बाहर निकले, नदी के किनारे पर आए और यहाँ पे हम लोग इसको बना रहे हैं। बस थोड़ा सा देर और बनता है और फिर खाते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। तो इधर पे अपना मुर्गे का पुड़गा बन रहा है, ये हो गया तैयार लगभग, निकालते हैं इसको। ये फाइनली अपना मुर्गा तैयार हो गया है, जैसे कि अपन ने बनाया था ये, और दिखाते हैं किस तरह गला हुआ है। देखिए पूरा गल गया है, ये हल्का सा जो कालापन देख रहे हैं, नीचे का थोड़ा चिपक जाता है पर ऊपर का पूरा गल चुका है। चलिए अब इसका लुत्फ़ उठाते हैं। अनुराग भाई भी नहा धो के आ गए, आओ बैठो, चलिए खाते हैं और फिर बताते हैं कैसा स्वाद है। एक नंबर, इसमें मसालों का जो टेस्ट आ रहा है ना वो शानदार आ रहा है, और थोड़ा सा तंदूरी चिकन होता है ना जैसा, ही वैसा फ्लेवर है हल्का।
पंजा बताओ कैसा लगा? मस्त मस्त बना है। कैसी लगी आप लोगों को हमारी नई टेक्निक? कमेंट करके जरूर बताएं। आते हैं, खत्म करते हैं, फिर निकलते हैं। बेहतरीन स्वाद है। मजा पप्पा नहीं है, क्या रिएक्शन रहा? मजा आया, बढ़िया टॉप। तो चलिए दोस्तों, हम निकलते हैं घर के लिए। पेट पूजा हो गई, एक नंबर बना था। स्वाद अभी तक जवान से गया नहीं है। हमारे भाई लोग सब आ रहे हैं, मेहता भैया नहीं आए थे हमारे पास क्योंकि हम लोग नॉनवेज बना रहे थे, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो कोई ना, अगली बार मेहता भैया के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाएंगे और फिर मिलते हैं अपन जल्दी एक और नए वीडियो में। जो जगह आप देख रहे हैं, ये बरई पनिहार की तरफ से आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। ये सांक नदी है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आइए, कुछ समय बिताइए, कुछ बनाइए, खाइए और लाइफ को इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।